मणिकर्ण घाटी में पुंथल पंचायत के शरणी वेद धारणा और हुरन के लोग एसडीएम कुल्लू के कार्यालय में पानी चोरी की शिकायत को लेकर पहुंचे। उन्होंने एसडीएम से उचित कार्रवाई की मांग की है। पंचायत के उप प्रधान और वनाधिकार समिति के अध्यक्ष प्रतिनिधि मंडल लेकर एसडीएम कुल्लू के कार्यालय पहुंचे और शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायत पत्र में कहा गया है कि उनकी पंचायत के सराहन जंगल से तीसरी पंचायत का एक व्यक्ति अवैध रूप से पानी ले जा रहा है, जिसके लिए उक्त व्यक्ति ने जंगल की खुदाई कर शिकायत पत्र में कहा गया है कि उनके पंचायत के सराहन जंगल से तीसरी पंचायत का एक व्यक्ति अवैध रूप से पानी ले जा रहा है, जिसके लिए उक्त व्यक्ति ने जंगल की खुदाई कर पाइपें बिछाई हैं। पाइप को बिछाने के लिए जंगल की जड़ी बूटियों के साथ पेड़ पौधों की जड़ों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अब एसडीएम कुल्लू ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले में जाँच की जाएगी। हमने ये एसडीएम ऑफिस में हमने ये दी है कि भाई अवैध रूप से पानी ले जाने में सराहन जंगल के जो रही तो जितने भी प्रकार के पेड़ है अवैध खनन वगैरह के बारे में बताया उनको, ये पानी बिना पूछे ले जाने के बारे में अवगत करवाया और वहाँ एसडीएम साहब को हमने एक ज्ञापन सौंपा है। हमारा प्रतिनिधि मंडल जो भी है वो तो सब इकट्ठा हुए हैं। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट पंचायत पुंथल के हैं, बाकी ग्रामवासी मेरे साथ है और हमने उनको सब उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये इसकी इंक्वायरी होगी और आपको जो है ना न्याय दिलाया जाएगा। और इसके बाद जो भी मैंने हम पानी देने में असमर्थ थे क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। नंबर एक, वहाँ पे एक तो माता उपासना देवी उपासना का ऐतिहासिक स्थल है जहाँ कि हम बिना इजाजत से हम लोग, मैं माता उपासना का पुजारी हूँ, हम लोग भी बिना इजाजत से माता के देश के बगैर नहीं जाते हैं वहाँ। और नंबर दो, वहाँ के लोगों को पीने के पानी की बहुत दिक्कत है। और नंबर तीन, वहाँ पे उस सराहन जंगल में हजारों के हिसाब से जो है ना वहाँ पशु रहते हैं, दो तीन पंचायत के पशु रहते हैं वहाँ लोगों के, तो उन्हें पानी पीने के लिए प्राप्त नहीं है, वो बहुत इधर उधर भटकते हैं।